मैं हूं शोभानंदन। सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर को मेरी नमस्ते। और आज की हमारी रेसिपी है थापड़ी पेड़ा। थापड़ी पेड़ा बनाने के लिए कढ़ाई में 1 लीटर फुल क्रीम दूध को डालकर उबलने के लिए रख देते हैं। रेसिपी को मैंने थैली वाले दूध से बनाया, लेकिन आप डेयरी वाले दूध का भी यूज कर सकते हैं। दूध में उबाल आने के बाद गैस की फ्लेम को लो पे रखते हुए एक बार दूध को चला लेंगे। दूध के ऊपर जो मलाई आई हुई है चम्मच से चलाते हुए दूध में मिक्स कर लेंगे। बाउल के अंदर मैंने फिटकरी का पाउडर बना के रखा हुआ है। एक एक पिंच फिटकरी दूध के अंदर डालते जाएंगे और चम्मच से दूध को चलाते जाएंगे। फिटकरी का यूज आप पानी डालकर भी कर सकते हैं। 1/4 चम्मच फिटकरी के अंदर 2 चम्मच पानी डालकर फिटकरी और पानी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। फिटकरी के अच्छी तरीके से घुल जाने के बाद फिटकरी वाले पानी को थोड़ा थोड़ा करके दूध में डालते जाएंगे। दूसरे हाथ से दूध को चलाते जाएंगे। दूध के अंदर फिटकरी दूध के हल्का सा फट जाने तक डालते जाएंगे। दूध को हमें पूरी तरह से नहीं फाड़ना है, केवल दूध में दाना नज़र आना चाहिए। जब दूध के अंदर हल्के हल्के दाने नज़र आने लगे फिटकरी डालना बंद कर देंगे। दूध को हल्का सा फाड़ने के लिए मैंने टोटल 5 पिंच फिटकरी का यूज़ किया है। फिटकरी का यूज़ हमें 1-1 पिंच करके ही करना है। एक साथ ज़्यादा मात्रा में फिटकरी ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके ही यूज़ करें। जितने दाने की ज़रूरत हमें दूध के अंदर चाहिए थी उतना दाना दूध के अंदर आ चुका है। दूध के गाढ़ा हो जाने तक दूध को बीच बीच में चलाते हुए पका लेंगे। दूसरे वाले फ्लेम के ऊपर पैन को रखकर पैन के अंदर 100 ग्राम चीनी डालकर चीनी को कैरेमलाइज कर लेंगे। कप से अगर हम चीनी को मेजरमेंट करते हैं तो ये 1/2 कप से थोड़ी सी कम चीनी है। पैन के अंदर चीनी को एक समान फैला देंगे। चम्मच का यूज़ हमें बार बार नहीं करना है। चीनी के मेल्ट हो जाने के बाद जब चीनी का कलर चेंज हो जाएगा तभी हम चम्मच का यूज़ करेंगे, उससे पहले चम्मच का यूज़ ना करें। बार बार चम्मच का यूज़ करने से चीनी चम्मच के ऊपर काफ़ी मात्रा में चिपक जाती है और कैरेमलाइज होने में दिक्कत होती है। चीनी का कलर चेंज हो चुका है, चीनी कैरेमलाइज हो चुकी है। बचे हुए चीनी के दानों को चम्मच से चलाते हुए मेल्ट करके कैरेमल को दूध वाली कढ़ाई में डाल देंगे। ये प्रोसेस जल्दी जल्दी करें क्योंकि कैरेमल बहुत जल्दी जल जाती है। कैरेमल को दूध में डालते समय थोड़ा थोड़ा करके कैरेमल दूध में डालते जाएं, दूसरे हाथ से चम्मच से चलाते जाएं। एक साथ सारा कैरेमल दूध में डालने से दूध कढ़ाई से निकलकर बाहर गिर सकता है। बचे हुए कैरेमल को निकालने के लिए पैन के अंदर थोड़ा दूध डालकर चम्मच से कैरेमल को निकालकर कढ़ाई में डाल देंगे। अब दूध के अंदर कैरेमल के घुल जाने तक लगातार चलाते हुए पका लेंगे। कैरेमल दूध के अंदर अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुकी है। कढ़ाई के किनारे पर लगी हुई मलाई को चम्मच से हटाकर दूध के अंदर मिक्स कर लेंगे। दूध पकते पकते काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, दूध के अंदर बबल्स आने लगे हैं और दूध का कलर भी चेंज हो चुका है। इस टाइम पर दूध को हमें लगातार चलाते रहना है, अगर हम दूध को नहीं चलाएंगे तो दूध कढ़ाई में लग सकता है। दूध अब काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। दूध के अंदर जो पनीर के पीस नज़र आ रहे हैं उसे चम्मच से मैश कर लेंगे, जिससे कि ज़्यादा बड़े बड़े पीस ना रहें। गैस की फ्लेम को लो पे रखते हुए दूध को हमने लगातार चलाते हुए गाढ़ा कर लिया है। पेड़े के मिश्रण को ठंडा करने के लिए स्टील की प्लेट को घी लगाकर ग्रीस कर लेंगे। पेड़े का मिश्रण पकते पकते इतना गाढ़ा हो चुका है कि उसने थोड़ा थोड़ा कढ़ाई को छोड़ना शुरू कर दिया है। मिश्रण को प्लेट में निकालकर ठंडा कर लेंगे। थापड़ी पेड़ा या थापड़ी बर्फ़ी आप इस मिश्रण से कुछ भी बना सकते हैं। अगर आप बर्फ़ी जमाना चाहते हैं तो इस मिश्रण को थोड़ा गाढ़ा कर लीजिए, पेड़ा बनाने के लिए परफेक्ट है। चम्मच में लगे हुए मिश्रण को 2 चम्मच की सहायता से निकालकर प्लेट में डाल देंगे। मिश्रण को ठंडा करने के लिए रूम टेम्परेचर पर, जल्दी ठंडा करने के लिए फ्रिज के अंदर रख देंगे। पेड़े का मिश्रण अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है। पेड़े बनाने के लिए हाथों को देसी घी लगाकर चिकना कर लेंगे, जिससे कि पेड़ा हाथों में चिपकेगा नहीं। चम्मच से थोड़ा मिश्रण हथेली में लेकर मिश्रण को गोल गोल घुमाते हुए बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। उसके बाद बॉल्स को थोड़ा सा चपटा कर लेंगे। पेड़े के साइज को आप अपनी पसंद के अनुसार छोटा या बड़ा रख सकते हैं। पेड़ा बन जाने के बाद प्लेट में रख लेंगे। सेम तरीके से बाकी पेड़े भी बनाकर तैयार कर लेंगे। थोड़े पेड़े बनाकर मैंने तैयार कर लिए। बाकी के मिश्रण को मैंने फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि हाथों की हीट से पेड़ा शेप देने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए फ्रिज में रखने के बाद पेड़े को शेप दें, उससे शेप अच्छी आएगी। पिस्ता और बादाम डालकर पेड़े की गार्निशिंग कर लेंगे। पेड़े को गार्निशिंग करने के बाद पेड़े को अच्छी तरीके से सेट होने के लिए थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे। पेड़े को फ्रिज में रखने के बाद पेड़ा अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। एक पेड़े को मैं आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ।
खापड़ी पेड़ा अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। रेसिपी को आप ट्राई करें, रेसिपी आपको पसंद आएगी।